अभी उठ चुके हैं, सुबह के 8:30 हो गए। तो अभी मुँह धोते हैं, फ्रेश व्रेश हो चुके हैं, तो बेटा वेस्ट करते चलते हैं मुँह धोने के लिए। और हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने हैं वाले हैं हम अपने छत पे, जिसमें यहाँ पौधे उगाएंगे और फिर पौधे से सब्जी उगाएंगे। सो आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ, धनिया तो क्या बाकी आगे क्या दिखाएंगे क्या क्या उगाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके एंड तक बने रहना। तो बेटा वेस्ट करते पहले तो ये देखो पेस्ट टूट गया। तो बेटा वेस्ट करते पहले मुँह धो के आते हैं, बाकी मिलेंगे मुँह धोने के बाद। ऊपर का मौसम दिखाऊंगा कैसा है, तो मिलते हैं। मुँह धो के आ चुके हैं, अभी चलते हैं ऊपर का मौसम दिखाने के लिए, आपको दिखाएंगे ऊपर का मौसम आज कैसा होने वाला है। तो चलते हैं बेटा वेस्ट करते ऊपर की और वीडियो को लाइक करना और गाइस शेयर जरूर से करना, कमेंट किया करो, हर बंदे का रिप्लाई दूंगा मैं। तो ये देखो गेट को ओपन कर दिया, आ जाओ। आज भी तरक्की फरक्की धूप, कपड़े पसार रखे हमने तकरी धूप है आज भी, जहाँ ठंड नहीं है, ठंड तो गई। ये देखो ये देख लो, इधर का दिखाता हूँ, तो देख लो इधर का मौसम, इधर का भी देख लो। आई थिंक ठीक ठाक है आज, आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, ठीक ठाक लग रहा है। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर से करना। तो ये देख लो कैसा मौसम होने वाला है। तो चलते हैं नीचे की टाइम, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। आप लोग का एक काम करो, वीडियो को लाइक करके अपने भाई को प्यार से कमेंट करना, फुल ब्लॉग को आपके संग शेयर करूँगा हार्वेस्टिंग सिस्टम का। तो आप लोग कमेंट करके वीडियो में अंत तक बने हैं ना, बाकी मिलेंगे थोड़ी देर बाद। जस्ट अगले कुछ चाय नाश्ता करते हैं। जय हिंद जय भारत। तो फाइनली हम हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। देखो हम ले आए मिट्टी खेत की और इसमें डाल दिया। ये देखो यार एक डब्बे में काट के और टमाटर डालने वाले हैं, क्योंकि यार इसमें टमाटर को हम लोग हार्वेस्टिंग सिस्टम करने वाले हैं और टमाटर का पौधा उगाएंगे। तो ये देखो इसमें यार पूरी भर देंगे मिट्टी से, फिर इसमें टमाटर डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के छोड़ देंगे, बाकी दिखाते रहेंगे आपको बीच बीच में फुल ब्लॉक कि ये हुआ कि नहीं हुआ, कितने दिन में पौधा तैयार हुआ, फुल ब्लॉक दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करते रहना, कमेंट जरूर से करना है, बने कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, प्लीज से कमेंट करना। ये देखो एक डाल दिया, इसके ऊपर एक और परत बनाएंगे, फिर इसके ऊपर और डालेंगे, ये देखो इसके ऊपर थोड़ा और डालेंगे, ऐसे ऐसे करके यार पूरा भर देना है, बाकी यार अपन खुद खाने जाएंगे। तो फाइनली आज बनाने वाले हैं यार, ये देख लो फिर से अपन लोग वेज बिरयानी। और ये देखो सारी चीज़ तैयारी हो गई, इसमें डाल देंगे ऑयल, फिर यार इसमें ऑयल के बाद डाल देंगे जीरा। तो ये देखो पहले इसमें डाल देते हैं ऑयल, फिर इसमें जीरा डाल देंगे। तो ऑयल डाल दिया हमने, अब इसमें जीरा डालना बाकी है, फिर इसमें यार चाय पत्ता भी डालना पड़ेगा। आप लोगों को फूड रेसिपी देता हूँ, तो वीडियो को जोर से लाइक करना। इसे पहले मिला लेते हैं, इधर उधर मिला लिया है, इसमें डाल देंगे जीरा। ये देखो जीरा डाल दिया, इसमें यार दो चाय पत्ते हैं वो भी डालना पड़ेगा, क्योंकि यार उससे टेस्ट आता है। ये देखो इसे मिला लेंगे टेढ़ा करके कुकर को, कुकर में ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनती है। ये देखो मिला लिया, इसमें डालना पड़ेगा यार ये देखो मटर, जो कि हमने यहाँ छील लिए, मटर को डाल दिए, इसे चलाते रहेंगे। और इसमें थोड़ी देर में यार डाल देंगे अपनी यार वो प्याज और गाइस यार मिर्च। तो ये देखो इसे ऐसे मिलाना है, फिर यार इसमें थोड़ी देर में आ जाएगी प्याज और मिर्च। ऐसे यार फुल रेसिपी देता रहूँगा आप लोगों को न्यू। तो वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट जरूर से कर दिया करो, जिसकी भी रेसिपी चाहिए वो चीज़ मैं बता दूंगा। तो ये देखो इसमें डालना पड़ेगा यार ये देखो प्याज और हरी मिर्च, जो कि हमने यहाँ काट रखी है, ऐसे काटना है। और गोभी भी है, एक एक छोटी सी गोभी है, उसे भी यार काट लिया है। ये देखो इसे ऐसे चलाता रहना है, तेज़ी से नहीं, 5 मिनट तक चलाओ जब तक पूरा लाल ना हो जाए और कलर ना आ जाए, तो ऐसे चलाते रहना है। ये देखो कुछ ऐसे, अभी थोड़ा गर्म होने में टाइम लगेगा। तो ये देखो अभी तो हमने यहाँ चला दिया, अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे आपको गोभी लाल हुई नहीं हुई, एक बार और चला देते हैं, इसे ऐसे छोड़ देंगे, फिर यहाँ थोड़ी देर बाद दिखाते हैं गोभी का कलर कैसा हुआ। तो ये देखो लगभग हमारी पक चुकी है, गोभी भी लाल हो चुकी है, इसमें डालने पड़ेंगे यार ये देखो आलू, जो कि आलू भी हमने काट रखे हैं, दो आलू काटे हैं, तो आप लोग भी यार दो ही काट डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं। तो ये देखो आलू डाल दिए, एक बार और डालेंगे, 2-3 आलू और है। तो यार इसे भी डाल के अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखो इसे डाल दिया, अब इसे अच्छे से मिलाएंगे, और गाइस जब तक मिलाते रहना है जब तक ये भी सूख ना जाए, इसे भी 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, जब तक मसाले तैयार करते हैं, हल्दी धनिया मिर्च और गर्म मसाले, 4 मसाले ओनली डालते हैं, जैसे कि हम लोग बता चुके हैं पहले भी, और हर चीज़ में ओनली 4 मसाले, और अलग से MDH का मसाला और डाल सकते हो, टमाटर भी हमारे पास। तो ये देखो हो चुका है, इस मसाले डालने पड़ेंगे, फिर यहाँ इसमें डाल देंगे टमाटर। तो ये देखो मसाले डाल दिए हमने सारे घोल के, ये देखो सारे मसाले डाल दिए, अभी इसे भी चलाते रहना 5 मिनट तक जब तक के लिए सूख ना जाए,
और फिर इसमें आधे गए टमाटर, जो कि हमने यहाँ दो टमाटर काटे हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, एक होगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, टमाटर डाल देंगे, ये देखो ऐसे ऐसे काट के डालना है, इसे भी अच्छे से मिला देना है, ये देखो क्या ही कलर आ गया शानदार वाला, इसे ऐसे ही चलाते रहना है। फिर इसमें थोड़ी देर में नमक डाल देंगे, तो मैं दिखाऊंगा फूड रेसिपी, और ये देखो अब इसे सूख गया थोड़ा सा 5 मिनट बाद, इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, अपने हिसाब से आप लोग डाल देना, मैंने तो यार अपने हिसाब से डाल दिया है, और नमक को ऐसे ही डालना है और फिर अच्छे से मिला ले, इसे भी मिला लेंगे नमक को अच्छे से। फिर इसमें आ जाएगा धनिया, धनिया के बाद आ जाएंगे चावल जो कि हमने डाल देंगे, तो धनिया आ गई ये देखो कटी हुई, इसे भी अच्छे से पहले डाल के अच्छे से मिला लेंगे ऊपर से, ये देखो क्या ही शानदार कलर आ चुका है, और इसे ऐसे ही मिलाना है। फिर इसमें आ जाएंगे चावल जो कि हमने यार धो रखे हैं, बस उसे डालना बाकी है, तो ये देखो इसे ऐसे मिला लेंगे, तो ये देखो हमारे मसाले लगभग हो चुके हैं सूख के तैयार, अब इसमें चावल वावल डालेंगे जो कि हमने धो रखे हैं, तो ये देखो चावल यार हमने डाल दिए, अभी यार दिखाता हूँ मैं निकाल के, ये देखो चावल हमने डाल रखे हैं येरे, तो ये देखो चावल येरे पानी भी डाल दिया है, इसमें यार क्या कुछ नहीं करना, बस आपको MD मसाला डालना है तो डाल देना, नहीं तो इसे ढक के छोड़ देंगे 3 सीटी के लिए, 3 सीटी के बाद दिखाते हैं। तो ये देखो हमारे हो चुके हैं यार वेज बिरयानी तैयार, क्या ही कलर आ गया, इसमें निकालते हैं खा के बता रहे, तो हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है वेज बिरयानी, ये देखो क्या ही कलर है, और बगल में सब्ज़ी भी ले लिए, और प्याज जो कि हम यार प्याज हमेशा लेते हैं तो इसे लेना ज़रूरी है, इसे मिला के खाएंगे और टेस्ट बताएंगे क्या है। तो ये देखो ओ तेरी भाई टेस्ट तो गजब ही है सही में, वीडियो को लाइक करना और इस रेसिपी को ट्राई करके मेरे को कमेंट करके बताना कैसी लगी, बाकी यार अब आज तो स्कूल जाना वाना है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये देखो टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर देना, बाकी यार मिलेंगे शाम को। तो फाइनली रात का रास्ता आ चुका है, ये देखो हमारा आगे यार रोटी सब्जी और गई चटनी जो कि यार धनिया की है, तो ये देखो रोटी सब्जी अपन लोग देखो खाएंगे पहले और खा के टेस्ट बताएंगे, तो यार टेस्ट तो एक नंबर है, वीडियो को लाइक करो, सोने जाएंगे। फाइनली अभी हम सोने जा रहे हैं, 12 बज चुके हैं, बहुत नारी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, बाकी यार सोने जा रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।